देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में महत्वपूर्ण कानून तथा विधिक सहायता प्रणाली के कार्यों पर लगाई गई प्रदर्शनी। रायसेन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक लीगल सर्विस वीक के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा ADR सेंटर में भारत की न्याय प्रणाली, न्यायिक इतिहास, महत्वपूर्ण कानून तथा विधिक सहायता प्रणाली के कार्यों पर 11 नवंबर से 13 नवंबर तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधान जिला न्यायाधीश तथा अध्यक्ष श्री ओंकार नाथ द्वारा रिबन काट कर किया गया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती संगीता यादव द्वारा कार्यक्रम के संबंध में जानकारी साझा की। रायसेन से संवाददाता अली हसीन की रिपोर्ट। कार्यक्रम रखा गया था और उसका मूल उद्देश्य क्या था? आप सभी को विदित है कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम हमारी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के भाग के रूप में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 45 दिवस का पैन इंडिया अवेयरनेस और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया है 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक। इस 45 दिवस की अवधि में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि हम विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जन जन को जागरूक कर सकें। इसी की श्रृंखला के रूप में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय रायसेन, जो कि जिला न्यायालय परिसर में स्थित है, एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत की न्यायपालिका और मध्य प्रदेश की न्यायपालिका का पिछले 75 वर्ष का आजादी के बाद का गौरवान्वित इतिहास दर्शाना, न्यायिक कार्यप्रणाली क्या है इसे आमजन को परिचित करना, और जो अभी तक हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा बड़े बड़े फैसले दिए गए हैं, जिन्होंने लोगों को अंतिम स्तर तक के लोगों को सहायता पहुंचाई, उनके जीवन को सम्मानपूर्वक जीने में मदद की, उनका यहाँ पर वर्णन है। और इसके साथ साथ जो विधिक सेवा प्रणाली है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये क्या है, इनका क्या संरचना है, इनकी क्या कार्य है, क्या इनकी योजनाएं हैं, इनका यहाँ पर उल्लेख है। और इसके साथ साथ जो अभी वर्तमान में महत्वपूर्ण कानून जिन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, उनका भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शन किया गया है।